आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 TV से आपका इस्तकबाल करता हूँ। KMR फ्लावर मार्ट अपोजिट उस्मानिया मस्जिद, 3 खंदिल, MG रोड, रायचूर। नाजरीन आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 TV से आपका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है अब तक की अहम खबरें। पसमानदा तबका BJP को वोट न डालें। रियासत के 28 हलकों में से एक भी हलका से पसमानदा तबका को टिकट नहीं दी गई। ईश्वरप्पा एक जोकर पागल शख्स है। साबिका रुकन पार्लियमान के वीरपक्षप्पा का सहाफियों से खिताब। जिला डिप्टी कमिश्नर के हाथों वोटर्स उजागर तस्वीर नुमाइश का इफ्तिताह। खबरें तफसील से। पसमानदा तबका BJP को वोट न डाले। रियासत के 28 हलकों में एक भी हलका से पसमानदा तबका को टिकट नहीं दी गई। ईश्वरप्पा पागल जोकर शख्स है। साबिका रुकन पार्लियमान के वीरपक्षप्पा का सहाफियों से खिताब। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने समाजी इंसाफ को मठोस रखते हुए तकरीबन तमाम तबकात के साथ इंसाफ करते हुए पार्लिमानी सीट तकसीम अमल में लाई। उसके बरखिलाफ BJP ने रियासत के 28 हलकों पार्लिमान में से एक भी हलका से पसमानदा तबकात को वोट फर्द को टिकट नहीं दी, जबकि रियासत के तकरीबन निस हिस्सा आबादी इन तबकात पर मुश्तमिल है। लिहाजा पसमानदा तबकात के वोटर्स को भी चाहिए कि BJP के इस रवैये को खिलाफ पार्टी को वोट न दें। ये बात साबिका रुकन पार्लियमान कोप्पल मिस्टर के वीरपक्षप्पा ने सिंधनूर शहर के वाकई एक मकान में सहाफियों से खिताब के दौरान कही। उन्होंने बताया कि BJP ने निस्फ आबादी के साथ खिलवाड़ करते हुए इन तबकात को सियासत से दरकिनार किया है। इससे इस बात का पता चलता है कि BJP की सोच, BJP की पॉलिसी इन पसमानदा तबकात के साथ कैसी है। मिस्टर वीरपक्षप्पा ने BJP की कायद एस ईश्वरप्पा के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए उन्हें सेगाए वाहिद से खिताब करते हुए कहा कि वो एक जोकर पागल है। वो क्या कहता है वो उसको खुद ही नहीं मालूम, लिहाजा उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देने की ज़रूरत है। और पसमानदा तबकात को इस कदर बड़ी नाइंसाफी होने के बावजूद भी ईश्वरप्पा का खामोश रहना, एहतजाज ना करना उस बात की खुली दलील है कि वो पार्टी के किस कदर असरअंदाज है। उन्होंने दीगर कायदीन को भी इस मसले पर खामोशी अख्तियार करने पर ताज्जुब का इजहार किया। BJP में कई कायदीन बशमूल LK अडवाणी, मिस्टर मुरली मनोहर जोशी दीगर को सियासी तौर पर दरकिनार किया गया। अमित शाह मोदी ताजिर हैं, लिहाजा उन दोनों को सिर्फ ताजिरों का फ़ायदा पहुंचाना है। कांग्रेस ने पसमानदा तबकात के अलावा अखिलेती तबकात को भी टिकट दिया। उसके अलावा लिंगायतों को 6 पार्लिमानी हलकों से लिंगायत को टिकट दिया, लिहाजा उस तबके को वोट भी मिलने की कभी इम्कान हैं। उसके बाद उन्होंने सेकुलर आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर के हाथों वोटर्स उजागर तस्वीर नुमाइश का इफ्तिताह। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर व जिला इंतखाबी ऑफिसर मिस्टर शरद बी और जिला पंचायत के CEO मिस्टर नरेन अतुल, जो वोटर्स उजागर कमेटी के सदर नशीन भी हैं, के हाथों आज रायचूर शहर के सेंट्रल बस स्टेशन में 2 रोज़ा तस्वीर नुमाइश बराए वोटर्स उजागर मुहिम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उस मौके पर मिस्टर शरद बी ने अवामुन नास को बताया कि वोटिंग की बाबत तमाम तफसीलात इस 2 रोज़ा नुमाइश में बताई जा रही है। अवाम अपने खदशात व सवालात मुकामी हुकाम से यकसुई कर ले सकते हैं। इस नुमाइश में वोट डालने की अहमियत के अलावा वोट की कीमती होना, वोट का जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना व दीगर बातों को तस्वीर में उजागर किया गया है। इस मौके पर ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिस्टर रवि राज भी मौजूद थे।